हेलो चिल्ड्रन, टुडे आई विल टीच यू लेसन 17 पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर क्लास 3 इन इंग्लिश ग्रामर. पंक्चुएशन मीन्स द मार्क्स यूज्ड इन राइटिंग दैट डिवाइड सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस. यूज दीज मार्क्स इन सेंटेंसेस टू मेक दैम मीनिंगफुल एंड क्लियर. पंक्चुएशन का मतलब होता है साइन जो यूज किए जाते हैं सेंटेंसेज और फ्रेजेस के बीच में. ठीक है, यूज दीज मार्क्स इन सेंटेंस. सेंटेंस को हम मतलब क्लियर करने के लिए, टू मेक दैम मीनिंगफुल और क्लियर उसको समझने के लिए हम बीच में सेंटेंस के इसको यूज करते हैं. द मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स आर, आप देख लें इसमें कॉमा कैसे लगाते हैं हम. ठीक है, फिर सेमी कॉलन इस तरह से यूज करते हैं, फुल स्टॉप, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क्स, ओके, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये सारे आपके क्या हैं, पंक्चुएशन मार्क्स हैं. ठीक है, अब इसको हम देखें कैसे यूज करते हैं. कॉमा आप देखें कैसे, देयर आर मैनी यूजेस फॉर द कॉमा. वी यूज कॉमा टू प्रोवाइड ए पॉज और चेंज टू गेट योर ब्रेथ बैक इन ए लॉन्ग सेंटेंस. जैसे सेंटेंस आपका दिया है अशोक, ठीक है, रुके, फिर उसमें हमने बोला लिसन टू मी, तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, कॉमा का यूज किया. पवन इज हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड सिंसियर. ठीक है, उसमें तीन बातें बताई उसकी, तो इसलिए हमने इसमें भी कॉमा का यूज किया है. इसके बाद आता है हमारा सेमी कॉलन. सेमी कॉलन कब यूज करते हैं, इट मेक्स अ ग्रेटर पॉज, इट इज यूज टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ क्लॉजेस. जैसे सेंटेंस में क्या, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, अब तीन बातें अलग अलग आ गई इसमें, आई केम, आई सॉ और आई कॉन्कर्ड, तब हमने इस पर सेमी कॉलन का यूज किया है. आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग फॉर जॉय. ठीक है, इसमें भी हमने सेमी कॉलन का यूज किया. उसके बाद आता है हमारा फुल स्टॉप. आप साइन भी देखिए किस तरह से लगाते हैं. इट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द एसर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी एंड में लगता है एसर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस के. जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ देखिए लगा हुआ है इसमें. वेट फॉर हिम टिल ही रिटर्न्स, इसमें भी आपका फुल स्टॉप लगा हुआ है. इसके बाद आता है कॉलन. इट इंडिकेट्स ए ग्रेटर पॉज देन दैट शो बाय सेमी कॉलन, इट इज नॉट यूज नाउ एक्सेप्ट टू मार्क ऑफ ए डायरेक्ट कोटेशन. ठीक है, इसमें कैसे लगाते हैं हम सेमी कॉलन, ए पोएट सेज, कोटेशन की बात लगाते हैं इसमें से. कोटेशन बोल रहा है, जैसे पोएट सेज कह रहा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. ठीक है, इसमें आपने देखा सेमी कॉलन हमने कहाँ पर यूज किया है, इसमें ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, जो कोटेशन है उसके पहले हमने इसको सेमी कॉलन को हमने इसमें यूज किया है. इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क से आपको जैसे इसमें इंडिकेट हो रहा है आपका, इट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में यूज होता है, जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ डू यू डू एंड नेक्स्ट वेयर डू यू लिव. इसमें आप देखिए दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. इसके बाद है कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास, कैसे लगाते हैं. दीज आर यूज बिफोर एंड आफ्टर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर. ठीक है, ये कब लगता है, पहले या बाद में जो वर्ड्स बोल रहा है स्पीकर. जैसे द टीचर सेड, टीचर ने कहा टाइम इज मनी, उसने क्या कहा, टाइम इज मनी, तो उससे पहले लगा और उसके बाद में भी लगा जब सेंटेंस कंप्लीट हो गया. आई एम फाइन एंड हैप्पी, शी सेड, उसने कहा आई एम फाइन एंड हैप्पी, पहले लगा, बिफोर और आफ्टर इसमें भी लगा. ठीक है, ये बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमाज या कोटेशन मार्क. उसके बाद आता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इट इज यूज आफ्टर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद में लगता है, जैसे वेल डन और हाउ इट रेन्स. आप देखिए इस तरह से ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं. एक्सक्लेमेशन इज यूज टू एक्सप्रेस द फीलिंग वर्ड्स.